बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की करम फजल और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। तकरीबन 9 बज चुके हैं, सुबह के चारा बनाया था वास्ते, तो उनके साथ लेके आए हैं। पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ था, पंखा चला के ना अब सुखा लो पसीना। फातिमा भी साथ थी, तो अभी मैं इसकी नाइयाँ करवाती हूँ। उस्मान की कॉल आई थी, वो तैयारी करके तो वहाँ से निकल चुका है, आ रहा है मामू इसको लेने। तो अब्बास से इजाज़त ली है, काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी अब्बास को, तो अब पता नहीं, मैंने तो बोला था कि ना, कह रहा था कि शाम को वापस आएंगे, तो पता नहीं अब क्या सूरत हाल है। तो फिलहाल जो है ना, जब जाना होता है ना, तो फिर अनायफात में कुछ कपड़े मैं इधर ही भूल जाती, कुछ ले जाती हूँ। तो फिलहाल कुछ अनायफात में कहना, एक जो सूट मैंने ना कहीं रखा है वो मुझे मिल नहीं रहे, वो ढूँढ लेती हूँ। और साथ में ये जो खलारा पड़ा हुआ ना कपड़े, कल मैंने धोए थे वैसे मैंने रखे, वो तय भी इनकी लगानी है, वो तय लगा लेती हूँ। सबसे पहले ना मैं वो कपड़े ढूंढ लूँ। फातिमा रानी बड़ी सियानी कहाँ करेगा, आज फिर चाबी मिल गई है ना। ना वो आ गई है, हीरा पी आ गई, वो तो भागी भागी आती है, थप्पड़ रख के लगा के जाती है, इसको पटाई करके जाती है आप। टिक टिक किधर है, टिक टिक गिर जा, हुई पीछे जाओ पीछे। ये देखिए मैं चार पाई साथ लगाती हूँ, कहीं ये गिर ही ना जाए। अनाया फातिमा की नाई करवा के, उस्मान के आने से पहले मैंने उसकी नाई करवा के उसको सुला दी। काफी देर हो गई है, उस्मान घर से निकला हुआ था, पता नहीं कहाँ रह गया। तो अभी ना अब्बास कह रहे थे कि ये ना गोबर इकट्ठा कर दो, तो फिर मैं उठा लूँगा, क्योंकि स्प्रे कर रहे हैं। तो गोबर इकट्ठा कर लो, उठा खुद ही लेंगे, उठाए तो नहीं जाता मुझसे, बस ये एक काम कर दे तो दूसरा खुद ही कर लेंगे। सारा गोबर मैंने इकट्ठा कर दिए, तो एक घंटे से ऊपर हो गया टाइम, उस्मान नहीं आया अभी तक। अब इसको कॉल करती हूँ, मेरा तो दिल बस बैठा जा रहा है, बस इसीलिए मैं गोबर इकट्ठा कर, मैंने कहीं साइड से आएगा वो, तो अभी तक नहीं आया। डेढ़ घंटा हो गया उस्मान घर से निकला हुआ था, एक घंटा हो गया। नीलम की कॉल आई थी, तो तब मैंने जब कॉल की थी नीलम को, तो वो कह रही थी कि एक आधा घंटा हो गया उस्मान घर से निकला है, तो उस हिसाब से डेढ़ घंटा से ऊपर हो गया टाइम। तीसरी दफ़ा मैं आई हूँ बाहर, लेकिन अभी तक नहीं आया। मेरी तो जान निकलती जा रही है, अल्लाह खैर करे जल्दी आ जाए। छत पे भी जाके देखे हैं, दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा, आवाज आ रही है। शुक्र है, शुक्र अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। इधरों दे लैके आ, इधरों दे, उधर खड़ी है उधर खाई पई। शुक्र है, तो हो मैनू नीलम ने आखी अद्धा घंटा हो गया टुरिया करो चला जा, तो घंटा इस गल कोई टैसा आ गया, फोन आया नीलम ने खरी चल तुर। शुक्र है, मेरी तो जान निकली जाती सी, मैं क्या भाई 2 घंटे हो गए इन घरों टुरिया, चला जा। इन्हू मस्सी सवाया, मैं मस्सी सवाया ले खिलारा वेख, मैं लगी सी कपड़े कढ़ने, ते ए जड़ी चमड़ी पई सी, मस्सी सवाया इन्हू मैं। क्या जरूरत है, आप पता नहीं कद्दू लेके आए कि ओए रब्बा। तमा मामू ओ लो उन्हू, ओ लो ओ लो, शमा लगी समा तेरी गण फुल। ओए मामू, मामू आ गए, मेरी बिल्ली मामू जी, मामू नतीजा बाल लेते हैं, नतीजा टाटी करके तो रख लो जा भाइयो।
कौन है मामू? मैं तेरा बार रहता है अच्छा अच्छा चलो मामू शायद के लो। दोपहर का खाना बन गया, शिमला मिर्ची मैंने बनाई थी, चिकन, तो अब्बास ने तो बोला था कि और कोई चीज़ जो भी खाना सामान है तो मैं ले आता, तो कहता है नहीं मैंने शिमला मिर्ची चिकन खाऊंगा मैं, तो ये मेरी शहजादी रोटियां खा रही है, उस मामू इसका हाथ दे ओ देती हूँ देती हूँ देती हूँ कहती है दो दो, और मामू आ गए, मामू कह रहे पीछे हट जाओ, मामू को देख के बड़े खुश है जी, मामू है मामू जी मामू ओ मिठी नीचे लगी इसके काम चेक करें, कपड़े इस्त्री करने की ये मैं पहली बार ही सूट पहनने की थी, वाला खुलासा सिला सिलाया लिया था मैंने अनाफत में को बनेंजा की शर्ट जो मैंने पिछले साल के लिए ना लड़कों वाली सॉरी वही पहन के लेके जाऊंगी, बाकी लड़कियों वाले इसके सारे मैं साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि जहर से बात अब ली है तो अब पहनने की वजह से रूप, तो उनको इस तरह करने की ज़रूरत ही नहीं है, उस्मान सो गया, मैंने कहा तो तुम सो जाओ, मैं तो कल चले जाएंगे ना, तो कहते नहीं शाम को ना ठंडे के टाइम चले जाएंगे, मैंने कहा चले मैं फिर तैयारी शारी कर लूँ, फातिमा की तैयारी कर लूँ, उसके बाद फिर चलते हैं, अभी दोनों भाई इसे लगा के सो रहे हैं, अब्बास भी और उस्मान भी, फातिमा और फातिमा उल्टे काम कर रही है, कंधी गुड़ गया, ये भाई फ्रास की रीढ़ पड़ी हुई है, कह रही कि मुझे वो दे उठा के, शुक्र है आज मेरा भाई आया हुआ तो एसी बंद नहीं हुआ, मिठी ए मिठी मेरी ओहो कंबल लेके दोनों सो रहे हैं, तो इसके बाद मैं ना कपड़े कपड़े जो है ना वो डाल दूं बैग में, पहले तो हमने जाना था, मैंने उस्मान आप ही के घर से होके अयान उस्मान अमान उनके घर से हमने होके जाना था, फिर अम्मी जी और भाई फ्यास चले गए क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे, उस्मान की तबीयत भी नहीं ठीक, वो बीमार है, तो मैंने कहा चले अम्मी आप चले जाए हम लोग सीधा ही निकल देंगे, फिर कि अगर उनके तरफ जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर जाते जाते हमें भी अंधेरा हो जाएगा ना, इसलिए जी खलो तू गुस्से दी अम्मा को जा तू को मैं कत्यू पटाया फातिमा की मैं कत्यू पटाया फातिमा क्या आ रही हूँ मैं पता नहीं शावर किधर है शावर ही नहीं मिल रहा शावर किधर है शावर से हो गई दुपट्टा सेट क्या कह रही है फातिमा फ्रिज मैंने बंद कर दिए क्योंकि एसी भी चल रहा था कपड़े इस्त्री करके उसके बाद फिर मैं इस्त्री बंद करके तो फिर फ्रिज चला दी उस्मान कह रहा है इस दफा पैसे तो लगाए कि कितनी कसम से मौज है एसी की तो इंशाल्लाह अगले साल ये भी प्लेटों के ऊपर जो है ना चलाएंगे एसी इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा उस्मान बहन की वीडियो को देखा करें प्लीज़ ताकि आप लोगों की वजह से ना उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई की वीडियो देखा करें फातिमा रानी बड़ी सियानी ओ आ गई है हिरापी कह रही मैं करती हूँ उसकी पटाइयाँ दुपट्टा अच्छे से प्रेस हो गया